आज वर्तमान मुखिया हैं, निवर्तमान चुनाव जीत करके गए, 5 साल तक लौट करके गांव में नहीं आए, कौन मर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, ना एक भी आम सभा किए, ना जैसे पेपर में सुने 8 करोड़ रुपया गोधना पंचायत में 5 वर्षों में खर्च हुआ, 8 योजना वो हमको गनावे, 8 योजना कौन कौन योजना हम काम किए पंचायत में, वो अपने दूसरे ढंग से लोगों के बीच आते हैं और अपना अपना भाषण सुनाते हैं। मैं किसी के बात पर या अपने भाषण पर मैं विश्वास मत नहीं करता हूं, मैं अपने काम पर विश्वास करता हूं। मैंने 5 साल जो लोगों से वादा किया, 45 साल बनाम 5 साल, तो सरकार से लेकर के ही, मैं अपने घर से नहीं, सरकार से लेकर के ही, विधायक से हो या जहां से भी हो, ला करके मैंने पंचायत को किया दिया। सत्य बोलने का किसी में हिम्मत नहीं है, सत्य वही बोल सकता है, गरीब के लिए वही लड़ सकता है जो किसी के सामने सही को सही और गलत को गलत बता दे। यहाँ लोग जाता है जिसके यहाँ आपके नजदीक जाएगा, आपके जैसा बात बोलेगा, उनके नजदीक जाएगा उनके जैसा बात बोलेगा, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ सही बात बोलता हूँ और सही बात बोलूंगा, और इसी बात के लिए हम जाने जाते हैं। गलत अगर करते तो जो भी लोग हैं मेरे सामने आवे और मुझसे बात करें, साबित करके बतावे गलत हम हैं कि वो हैं, लेकिन किन्हीं को हिम्मत नहीं है सामने आकर के हमसे फेस टू फेस डिस्कस कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट न्यूज बिहार, मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार राय, बात बेवाक सच के साथ। अभी त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव का माहौल चल रहा है और प्रखंड क्षेत्र बछवाड़ा में 10वें चरण का मतदान 8 दिसंबर को होगा, वहीं 10 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। हम प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में जा रहे हैं और अभी हम गोधना पंचायत में मौजूद हैं। गोधना पंचायत से मुखिया प्रत्याशी नीचल कुमारी के पति राजीव चौधरी से हम बात करेंगे। यह वही राजीव चौधरी हैं जो गोधना पंचायत में बेबाक बोल से जाने जाते हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी पत्नी नूतन कुमारी किस उद्देश्य से चुनावी मैदान में आई हैं और यदि सफलता मिलती है तो वह इस पंचायत में क्या विकास करेंगे। सर्वप्रथम बीटी न्यूज बिहार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। मैं बीटी न्यूज बिहार का धन्यवाद देता हूं जो हमारे यहां तक आने का कष्ट किए। दीपक जी, आपकी पत्नी इस बार चुनावी मैदान में है, उनका क्या उद्देश्य है गोधना पंचायत के विकास कार्य के लिए? देखिए, इस पंचायत से 2 बार मेरी माँ चुनाव जीती हुई थी, उस वक्त महिला सीट था, पहली चुनाव लड़ा मेरी माँ, उस वक्त पूरे पंचायत में 3200 वोट पोल हुआ था, 3200 वोट में 1700 वोट मुखिया रेशमा देवी मेरी माँ को मिली थी और 1500 में 6 कैंडिडेट थे, जो बबलू जी दरगाहपुर से हैं, राजेंद्र जी जो गोधना 10 नंबर वार्ड से हैं, बालदेव सहनी पत्नी या जुलू सहनी, लालू पासवान, अनिता देवी, 6 कैंडिडेट थे 1500 में। तो मेरा उस समय एक ही वादा था, 45 साल बनाम 5 साल, कोई जनप्रतिनिधि अपने घर से नहीं देता, सरकार जो देता है वो जनता तक पहुंचाने की बात करता है, और मैंने उस काम को भली भांति किया, जो सरकार दिया वो जनता तक पहुंचाए। ना मैं कोई जाति पाति का राजनीति करता हूँ, ना मैं किसी गांववाद का राजनीति करता हूँ, ना कोई भेदभाव का राजनीति करता हूँ। कुछ हैं
मेरे मुखिया प्रत्याशी वो अपने दूसरे ढंग से लोगों के बीच आते हैं और अपना अपना भाषण सुनाते हैं। मैं किसी के बात पर या अपने भाषण पर मैं विश्वास मत नहीं करता हूं, मैं अपने काम पर विश्वास करता हूं। मैंने 5 साल जो लोगों से वादा किया, 45 साल बनाम 5 साल, तो सरकार से लेकर के ही, मैं अपने घर से नहीं, सरकार से लेकर के ही, विधायक से हो या जहां से भी हो, ला करके मैंने पंचायत को किया दिया। 2 नवसृजित विद्यालय लाए, रंगमंच लाए, 2 यात्री पड़ाव लाए, सब स्कूल का बाउंड्री करवाए, लोगों से जमीन मुहैया करवाए, हर एक जगह सड़क बनवाए। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पर टिप्पणी टिप्पणी करते हैं जो कोनो घर से करवाए, घर से तो नहीं करवाए, लेकिन अब काहे न हो रहा है? इस 7 साल में भी तो होना चाहिए था, या 2006 से पहले भी होना चाहिए था। तो दूसरे बार फिर मेरी माँ मुखिया रेशमा देवी को पंचायत में 3700 वोट पुल हुआ, 2200 मुझे मिला और 1500 में 5 प्रत्याशी थे। तो लोकप्रिय कौन है ये तो जनता बता रहा है, उसके बावजूद भी लोग अपने आप को नेता मानने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक प्रत्याशी हमको बोले अपने काहे ने खड़ा हुए, पत्नी के खड़ा कर दिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको खड़ा होने का अधिकार है, सबको वोट मांगने का अधिकार है, किसी के व्यक्तिगत जीवन का टिप्पणी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उनकी माँ है, वो मेरा भी माँ है, मैं उनको माँ को काहे गाली दूंगा? मैं इस बात को गलत ढंग से समझे, हम ये बात बोले कि आप उनकी माँ को उनके पिताजी मारे और वो ऐसा बेटा थे इलाज नहीं कराए जिस चलते उनकी मौत हो गई, तो उसको दूसरे रूप में लोगों को समझाना चाहते हैं। अब उनका पत्नी क्या है नहीं है ये तो लोग बताएगा, हम बताएंगे उससे अच्छा तो उस गांव का लोग जो बताएगा वो बेसी अच्छा बताएगा, जो लोगों के बीच चर्चा है रहा। हमको वो खराब कहते हैं, खराब कहते हैं, खराब बोलने से नहीं होता है, उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट साबित करेगा कि हम दोषी हैं कि निर्दोष हैं, जनता के बीच में काम किए कि नहीं किए। अगर लोकप्रिय नहीं है तो मैं जेल में रहते भी जनता यहाँ 1000 लोग हमको वोट दिया, एक बार हमने उनको पंचायत समिति बनाया, दूसरे बार फिर वो खड़ा हुए, काहे ने एक को वोट से जीते, क्या उनका स्थिति रहा? आज वर्तमान मुखिया हैं, निवर्तमान, चुनाव जीत करके गए, 5 साल तक लौट करके गांव में नहीं आए, कौन मर रहा है कौन क्या कर रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं है, ना एक भी आम सभा किए, ना जैसे पेपर में सुने 8 करोड़ रुपया गोधना पंचायत में 5 वर्षों में खर्च हुआ, 8 योजना वो हमको गनावे, 8 योजना कौन कौन योजना हम काम किए पंचायत में। कुछ मुखिया प्रत्याशी हैं ऐसे जो पैसा के बल पे आज रंगमंच पर गाड़ी लगाने का काम करते हैं, बच्चों के खेलने के मैदान में बालू गिट्टी का खेल खेलवाते हैं निजी उपयोग में, स्कूल में उनकी बहन शिक्षिका हैं, उनके माध्यम से स्कूल में चोरी करवाए टीवी का, जो टीवी उनके नौकर के घर से निकला गेंडा में लपेट करके जलावन के नीचे रख करके ताला लगा करके चाबी उनके गले में था, तो उनको कोई ये भी कहे कैसे कह सकता है जो कोई जाकर के रख दिया? अपने आप को इतना ईमानदार बताने वाले लोग अगर ये बात कहें, गांव की सेवा की बात, सिद्धांत की बात, तो
इस सबको ये बताना चाहिए था कि पहले कौन पार्टी में थे, अब किस पार्टी में हैं। सब प्रत्याशी को हम बोलते हैं, मैं तो कोई पार्टी का सदस्यता भी नहीं लिया हूं, मैं पंचायत में निस्वार्थ मुखिया हुए सुमंत कुमार थे, लेकिन सब दिन हम जाकर के पंचायती किए या कोई भी काम किए निस्वार्थ। और मैं गांव से कमाई की बात नहीं करता हूं, गांव का विकास की बात करता हूं। एक नंबर वार्ड में आज से 15 दिन पहले हत्या करके लड़की का लाश भिगा गया था, उस वक्त मोमबत्ती जला करके कैंडल मार्च निकाला गया। जब अपराधी पकड़ा गया तो एक भी कैंडल मार्च निकालने वाले नहीं वहां मिले, आना दिख रहे हैं। तो यहां गुंडागर्दी की राजनीति होती है, पूरे पंचायत का गुंडा एक जगह है, राजीव चौधरी और गरीब जनता एक जगह है। रहा अच्छा और खराब का परिभाषा और सर्टिफिकेट, तो जनता 10 तारीख को बताएगा, और इससे पहले भी बता चुका है। तो आपकी पत्नी का क्या उद्देश्य रहेगा चुनावी मैदान में, यदि वो सफल होते हैं तो उनकी तरफ से प्रथम प्राथमिकता इस पंचायत के विकास के लिए क्या रहेगा? उनके इस पंचायत के लिए यही विचार रहेगा, लोगों का सेवा निस्वार्थ, उतना ही नहीं, मैं अगर किसी को भला नहीं करूंगा तो बुरा भी नहीं करूंगा, ना करता हूं। आज जो लोग मेरा बुराई कर रहे हैं, पहले मुझसे मदद ले चुके हैं, वो लोग मुझसे मदद ले चुके हैं। जब मदद स्वार्थ का जब पूर्ति हो गया तब हम खराब हो गए, उससे पहले हम ठीक थे। आप अपने क्षेत्र में बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं, इस पर आपका क्या कहना होगा? एक बात हम बताते हैं, सत्य बोलने का किसी में हिम्मत नहीं है। सत्य वही बोल सकता है, गरीब के लिए वही लड़ सकता है जो किसी के सामने सही को सही और गलत को गलत बता दे। यहाँ लोग जाता है जिसके यहाँ आपके नजदीक जाएगा, आपके जैसा बात बोलेगा, उनके नजदीक जाएगा उनके जैसा बात बोलेगा। लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ सही बात बोलता हूँ और सही बात बोलूंगा, और इसी बात के लिए हम जाने जाते हैं। गलत अगर करते तो जो भी लोग हैं मेरे सामने आवे और मुझसे बात करें, साबित करके बतावे गलत हम हैं कि वो हैं। लेकिन किन्हीं को हिम्मत नहीं है सामने आकर के हमसे फेस टू फेस डिस्कस कर सके, कहे कि सब जो हैं देखावटी रूप मुखौटा रखे हुए हैं और सब के अंदर चोरी है। जो अपना भला नहीं कर सकता है दूसरे की भलाई के बात कहां से सोच सकता है। लोग दारू मुर्गा रुपया पी करके सांझ होते ही वोट मांगने के लिए चलता है, जो अपने ने जीतता है वो दूसरे को जिताने की बात करता है। सब बात है, मेरा एक ही उद्देश्य है, गरीबों का सेवा। मैं जनता अगर चुन करके लाता है तो मैं जिस तरह पहले पंचायत में काम किया, शांति व्यवस्था कायम किए, उस तरह काम रखेंगे। आज सुमंत कुमार मुखिया हैं, 5 साल में 3 दलित महिला की हत्या हुई लड़की की, उनसे आज तक उद्भेदन करना नहीं पार लगा। मैंने पुलिस के सहयोग से, मैं तो मोमबत्ती तो नहीं जलाया, कैंडल मार्च तो नहीं निकाला, लेकिन प्रशासन को सही दिशा जरूर दिखाया। वर्तमान मुखिया कह रहे हैं कि हमने गोधना पंचायत में विकास की गंगा बहाई, इस पर आपका क्या कहना होगा? हाँ, बहाए तो जरूर पंचायत में, कहे कि 8 करोड़ योजना में 8 को योजना नहीं किए, लेकिन बेगूसराय में जमीन लेकर के 5 तल्ला बिल्डिंग जरूर बना लिए हैं। दरगाहपुर में जो है विकास तो नहीं दिख रहा है, वो तो रानी में विकास दिख रहा है, लेकिन वो चंदा करके दिल्ली कलकत्ता सबसे ललका वस्त्र पहन करके ला करके दुर्गा मंदिर बनाए,
वो कोई सरकारी योजना से नहीं बनवाए हैं जो लोग को बोलेंगे जो मैं बनवा दिया, वो गांव का लोग बनवाया है। वो क्या किए हैं उनका मन जान रहा है या लोग जानता है वहाँ का, हमको जानने क्या जरूरी है? जनता खुद होशियार है, हम जो कहेंगे वही समझेगा। इस पंचायत के सम्मानित मतदाताओं के बीच आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सम्मानित मतदाता के बीच में यही कहना चाहूँगा, अगर वोट दे करके जिता करके भेजते हैं नूतन कुमारी को मला छाप पर, तो मैं लोगों के बीच शांति के साथ विकास का बात करूंगा, काम करूंगा, सबका साथ सबका विकास और न्यायिक प्रक्रिया में प्रशासन का साथ देकर के गलत लोगों को बढ़ावा नहीं दे सकता। वो गलती करने वाले कोई भी क्यों ना हो, कानून के दायरे में ही रहना होगा और करना होगा। एक प्रत्याशी बोल रहे थे हमने ये सड़क बनवाया, जिनको ये पता नहीं है जो सड़क मुखिया फंड से बना तीन खंड करके, और उन्होंने अपनी बात को मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में रख रहे थे कि ये मैंने काम किया। काम करने के लिए लोगों का विश्वास पहले हासिल करना पड़ता है और उनके पास एक चश्मा रहना चाहिए जो चश्मा से सब एक रंग दिखाई दे। मैंने बीपीएल सूची का टोटल, जो बीपीएल बनने का जब काम शुरू हुआ था तो पेपर आया ब्लॉक से मेरे नज़दीक, मैंने उनको उठा करके दे दिया। समय मेरे पैनल से वो जीते थे, उन्होंने अमीर लोगों को गरीब बना दिया, गरीब लोगों को अमीर बना दिया। मैंने तो उन पर विश्वास किया जो मेरे पैनल से हैं, पंचायत समिति हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा काम करेंगे। लेकिन ये तो उनका मन जानता होगा, नहीं तो जनता जानती होगी कि क्या वो विकास कर सकते हैं और क्या लोगों को भलाई कर सकते हैं। जो अपने भाषण में बोलते हैं सामंतवादी, जो अपने भाषण में बोलते हैं जो टोटल भूमिहार को नौकरी दे दिए, उनको ये पता नहीं है जो सरकार 2006 में बना था उसमें कैटेगरी निकाला था, उसमें हरजन को भूमिहार में नहीं दिया जा सकता है और भूमिहार को हरजन में नहीं दिया जा सकता है, पिछड़ी को हरजन में नहीं दिया जा सकता है। जो जिसमें थे उन्हीं को नौकरी मिला, वो लोगों को गलत तरीके से समझाते हैं। पहले तो बोलना सीखें, काम करने का ढंग सीखें, उसके बाद समाज में आवे, लोग समाज का लोग सोचेगा तो उनको क्या करना है नहीं करना है। अभी समय है ना, अभी राजनीति में पांव ही दिए, एक बार हमने लाया तो उस ढंग से काम किए नहीं, अगर काम करते तो दूसरे बार भी जीतते, तीसरे बार भी जीतते, लेकिन उसको जीते नहीं। दूसरा बार में सुनील सहनी आया, उसके बाद कमल पासवान आया, वो तो इतना लोकप्रिय लोग हैं, तो मैं इतना लोकप्रिय लोग का विरोध करना नहीं चाहता हूँ। काहे कि वो अपराधी से सांठगांठ रखते हैं और मेरे साथ ही उन सब लोग ने नवादा में ज्यादती किए थे, जो वहाँ का लोग जानता है अपराधी किसके साथ है, कौन अपराधी के बल पे है, कौन अपराध पर ही टिका हुआ है, ये गांव की जनता जान रही है। गरीब जनता हमारे साथ है, वो 10 तारीख के शाम में सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा
अगर उससे ज्यादा सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो स्कूल में जाकर के कुछ दिन और पढ़ लें। बातों को सुना, अब देखना है कि गोधना पंचायत में क्या यह चुनाव मैदान जीतते हैं तो जो यह कह रहे हैं क्या वह विकास कार्य इस पंचायत में दिखेगा। हम आपको गोधना पंचायत की एक एक भौतिक स्थिति से लगातार अवगत कराएंगे और दिखाएंगे कि गोधना पंचायत में विकास की गंगा कितने हद तक बही है या सिर्फ कागज के पन्नों पर ही सीमित रहे हैं। हालांकि बेबाक बोल से जाने जाने वाले राजीव चौधरी लगातार सोशल मीडिया पर भी चर्चित रहे हैं, क्योंकि यह बेबाक बोलते हैं और यह इस पंचायत में लगातार विकास कार्य से भी जुड़े रहे हैं और राजनीतिक अरसे इनका काफी लगाव रहा है। हम उस बात से भी आपको अवगत कराएंगे, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए बिहार। कैमरामैन रोहित कुमार के साथ दीपक कुमार राय की रिपोर्ट।